ज़िमनी इंतखाबात का पड़ाव सर पर है। 14 अक्टूबर को मैदान सजेगा। तैयारियां भी अरूज पर पहुंच चुकी हैं। वोटर्स को कायल करने का आज आखिरी रोज। रात 12 बजे तक इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। एनए 124 में 415 पोलिंग स्टेशंस, 5,35,172 वोटर्स और पोलिंग स्कीम जारी। इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इमरान बताइएगा, 12 बजे तक इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी रहेगा, तो बताइए कि वोटर्स को कायल करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है? जी बिल्कुल, इस वाले से ज़िमनी इलेक्शन जो है वो 14 अक्टूबर को होने जा रहा है और तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। और आज रात जो है 12 बजे तक जो है ज़िमनी इलेक्शन का जो इलेक्शन मुहिम है वो बंद करने के लिए डीसी लाहौर की तरफ से अहकाम भी जारी कर दिया गया है। इस वाले से जैसे ही इलेक्शन मुहिम खत्म होगी तो कल सुबह जो है वो साइन बोर्ड, बैनर्स और पोस्टर उतारने के अहकाम भी जारी किए गए। NX24 में अगर देखा जाए तो ज़िमनी इलेक्शन है, इसमें 415 पोलिंग स्टेशन तैयार किए गए हैं, जिसमें तमाम स्कूलों और जो स्कूल्स हैं और डिस्पेंसरी हैं वहाँ पे ये पोलिंग स्टेशन बनाए जा रही हैं, जिसमें 1,084 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 131 के करीब पोलिंग स्टेशन उनको हसास करार दिया गया है। इसके साथ साथ 140 सीसीटीवी कैमरों के साथ इनकी निगरानी भी की जाएगी। सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इमरान मलिक।